ग्रेपलिंग कोच की मां व बेटे की बिजली का कट लगने से दर्दनाक मौत। मामला खरखौदा ब्लॉक के गांव खांडा का है, जहां मंगलवार की दोपहर ग्रेपलिंग कोच की 75 वर्षीय मां शांति व 13 वर्षीय बेटे को बिजली का कट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अत्तर सिंह खांडा 12 प्रधान ने बताया कि उनके गांव खांडा में मंगलवार की दोपहर कराटे व ग्रेपलिंग कोच की मां व बेटे की कट लगने से मौत होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो 13 वर्षीय शिवम व 75 वर्षीय शांति दोनों के शव पानी भरने वाली मोटर के ऊपर पड़े थे। वही ग्रामीणों का कहना है कि बिजली का कट लगने के कारण दादी व पोते की मौत हुई है। आपको बता दें कि जगमेंद्र कोच लगभग पिछले 20 वर्षों से कराटे कोच व लगभग पिछले 10 वर्षों से ग्रेपलिंग कोच खरखौदा के प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमें तो पर को सूचना मिली भाई वहाँ येलो वार्ड जाती से हैं, यहाँ भाई बिजली से अच्छा हो गया। हम जाकर देखा, हमने एक बच्चा 12-13 साल का और उसकी दादी, बच्चा मोटर के ऊपर पड़ा था और बच्चा और उसकी दादी दोनों वहाँ पड़े थे। हमने जाके देखो बिजली से अच्छा हुआ है। ये करीब 3:30 बजे करीब हम पहुँचे हैं। पानी तो आता है जी 12:30 के बाद, मदर लाइट हमारे गांव में 12 बजे आती है, लेकिन देखा हमने बाद में करंट लगने से ये मौत हुई। मेरा नाम अत्तर सिंह है, गांव खंडा 12 प्रधान। हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले।